अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्लाह पाक के फजल और करम से। और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और हर बीमारियों से महफूज रखे जो देश प्रदेश में। अल्लाह पाक सबको और अपनी रोजाना मान में रखे, आमीन सुम्मा। तो आप लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी जो है ना मैं बर्तन वगैरह धो रही थी तो सुबह सुबह जैसे उठे थे तो नमाज पढ़ी और तस्बीह वगैरह की, तो बच्चे जो है ना वो देर से उठते हैं तो नाश्ता बनाया। तो मरूश के लिए मेहनत तो उठी हुई है, हसनैन हसान भी दोनों उठे हुए हैं, जो मरूश है वो अभी तक सो रही है। तो अभी जाएगी 11 बजे वो बारह पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि 12 पढ़ने नहीं जाएंगी, तो उनके ना मैंने साथ पे ना बालों के ऊपर मेहंदी लगानी है। हाँ जी, मैंने उसको मेहंदी लगानी है और हसनैन को भी लगानी है। हसनैन जो है ना इतने ज़्यादा शोर करता है ना, बिल्कुल भी ज़्यादा, वो तो हर वक्त ही बोलता रहता है। हसनैन जो है ना बहुत ज़्यादा ही शोर करता है। मैंने कहा इसके बाल जो है ना तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुए पड़े हैं। पहले तो लगाती थी एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा अब नहीं है। मैंने कहा हसनैन के ना सर पे ना मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं ना गली में, तो पहले इनको सब कुछ जो है ना वो लड़कियों के किसी ने भी बाल नहीं रखवाए थे, तो सबके जो बाल थे ना वो छोटे छोटे थे। जैसे मैं जैनब के मरोज के सब लोग बाल देखते थे ना तो कहती थी कि क्या चीज़ लगा रहे हो, क्या चीज़ लगा रहे हो। तो अब तो सब लोगों ने बच्चियों के बाल बढ़ाना शुरू कर दिए है। अभी जो है ना मेरी बेटियों के बहुत ही ज़्यादा बाल खराब हो पड़े हैं। आसान ना करो बेटा, और जैनब और मरूश के बिल्कुल भी ज्यादा बाल खराब हुए पड़े हैं। तो उसे अब नहला के तो ऐसे लगते हैं वो नहला ही नहीं है, उसके बाल ऐसे चिड़ियों को घोंसला बना पड़ा है। मैंने कहा थोड़ा कंगी बंगी कर देती हूँ, बच्चे हैं तो अभी तो जैनब ने दे दी है कि मेरा जो लहंगा है ना वो लहंगा लेके आओ, तो मेरा दादा वो आने वाला है, मेरा देवर आ रहा है ना उसकी खुशी में। तो मेरे बच्चे जो है ना तो अपने दादा के घर जाने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं ना, बिल्कुल भी ज़्यादा। शान आराम कर जो बेटा, आराम करो सोना बेबी। हाँ मेरा अच्छा बेटा है ना, नहा रहा है ना। मेरे चू ना बेबी है, बैठो 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 बैठो, चलो रह गया।
आप ठंडा पंखा बंद कर देते हैं, मेरे बेटे को ठंड लगेगी, है ना? आसान खान आपको ठंड लगेगी ना? नहीं लगेगी? ओए अब मेरा मोहम्मद जो आसान है ना, वो कपड़े पहन रहा है, अभी पाउडर वगैरह लगाएगा उसको, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं अपने बेटे को कपड़े पहना, वो बिस्मिल्लाह। ओहो उल्टी कमीज पहना रही थी ना अपने बेटे को। आ जाओ हसान, आ जाओ मेरे सोना बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर मैं ना मोहम्मद स्नैन को ला के आती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो देखो वो देखो वो देखो, हसान जो है ना वो कह रहा है, स्नैन कह रहा है हसान शोर कर रहा है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी तक जो मरोश है ना वो सो रही है, दुनिया जहान के घोड़े पे इसके सो रही है। हसनैन सुनैन मेरा बेटा क्या कर रहा है? हाँ जी अच्छा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो मेहंदी है ना वो भिगो लेती हूँ, अभी तक तो अंडा डालना था वो अंडा तो नहीं पड़ा, एलोवेरा भी बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो पैकेट वाले लेते थे, पता नहीं ये कैसी हो गई, ये तो नहीं पता। तो जो मेरे इतना ज्यादा झगड़ा किया और सुबह सुबह गुस्से होके फिर चले गए काम पे, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया ना ही चाय पी है। पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया, बात बात पे झगड़ा कर रहा है, बस बच्चों ने क्या खर्चा मांगा तो वो झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने। और रात रात को भी उसने इतना मुश्किल से खाना खाया, अपने बाल छोड़ो बेटा, आधे घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं फिर लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।